शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। केसरिया वालम आओ हमारे देश, केसरिया वालम आओ हमारे देश। मन का आंगन सुना सुना देश भयो पर दे, केसरिया वालम आओ हमारे देश, केसरिया वालम आओ हमारे देश। मुझे रुक्मी की यादों से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा दिला दीजिए। पूरे गांव में बदनामी करके रसाल के ब्याह में भी रुकावट लाना चाहिए। क्यों शिवजी महाराज हमारे साथ ही ऐसा क्यों? कोई साथ तो अब भी उतनी ही नफरत करे हमारे से, नफरत के कम थी झेलने को जो आपने उस विदुर का रिश्ता भेज दिया। क्यों शिवजी महाराज कि मैं इतनी बुरी हूं, कितने पाप किए हैं मैंने, हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो आप? आप तो जानते हो मैं कुंवर सा के सिवा किसी से ब्याह ना कर सकूं, फिर वो दूसरा ब्याह करे या ना करे हमारे मन में उनके सिवा और कोई नहीं बस सकता। फिर ये सब क्यों हो रहा है शिवजी महाराज? मैं हमारी बहन की खुशियों में भी बाधा बन रही हूं, हमारी बहन रसाल को भी हमारी वजह से ही परेशानी हो रही है, हमारे बापू हमारी माँ को भी हमारी वजह से परेशानी हो रही है। किसी की खुशियों में बाधा नहीं बनना चाहती महाराज, अब इस परेशानी से निकलने का रास्ता आप ही बढ़ने बताओ शिवजी महाराज। कुछ ऐसा करो शिवजी महाराज जो उस विदुर से ध्यान भी ना करना पड़े और हमारी रसाल का जीवन भी बर्बाद ना हो। कुछ करो शिवजी महाराज, कुछ करो। हमारी इतनी विनती सुन लो महाराज, फिर उसके लिए जो भी कीमत चुकानी पड़े मैं तैयार हूँ। आपको भूखा रखेगा भांजी? उस धोखेबाज रुक्मी और उसके परिवार के लिए अपने आप को खाई में क्यों डाल रहा है? मैंने तो तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है भांजी। वैसे भी तेरे मन से उस रुक्मी की छवि नहीं हट रही, ऊपर से जीजू सा थारा दूसरा ब्याह करने की जिद कर रहे हैं। मारे को तो ये समझ नहीं आ रहा है भांजे कि जीजोसा ने उस किसान की छोरी में क्या देखा कि थारा ब्याह तय करने चले गए। ना ही वो छोरी पढ़ी लिखी है, ना ही उसमें रूप गुण है, अरे इससे अच्छा तो वो रुक्मी है जो अपने जड़े हुए चेहरे के साथ कई गुना सुंदर है। हमो सर, पर उस लड़की के बारे में तो
आप ही ने तायसो को बताया था ना कि करूं भाड़चे। बस ये समझ ले इस हवेली में रहने की कीमत चुका रही। जीजोसा का हुक्म था तो मन्ने को मानना पड़ा, पर यह छोरी मारी पसंद की नहीं है। जे एक बार ये ब्याह हो गया आगे के जीवन की धारी खुशियां खत्म हो जावे। बस एक बार अपने मामोसा पर विश्वास कर ले और इस ब्याह के लिए ना कर दे, समझो। लेट्स गो। और हाँ, 15 किलो लड्डू। 15 किलो तो कम पड़ जाएंगे बावली, पूरे गांव का मुंह मीठा कराना है। 20 किलो ली। माँ, मारे को लागे के हमें ब्याह मारी अगली छुट्टियों में करना चाहिए। क्यों? कल तक तो बड़ी उतावल पड़ी थी तेरे ब्याह करने की, आज अचानक क्या हो गया है? नहीं भाभी साहब, वो रसाल की जीजी का भी तो हमारे ब्याह में होना जरूरी है। पर थारी अगली छुट्टियां तो अगले साल आवेंगी, अठे कल के होवेगा ये कहना मुश्किल है। और तू एक साल बाद की बात करे है? एक साल बाद ये खबर मैं जिंदा रहूं या ना रहूं? ना ना माँ, ऐसी बात ना कर। माताजी महाराज की कृपा से आपको कुछ ना होवेगा। तो फिर इतना अच्छा मुहूर्त हाथ से मत जाने दे। माँ, रसाल इस घर की बींदनी बनेगी, पर जे हम लोग उसकी परेशानी के बारे में ना सोचेंगे तो और कौन सोचेगा? आप ही कहो, अगर रसाल की जीजी उसके ब्याह में ना होवेगी तो क्या रसाल इस ब्याह से खुश होगी? अरे भाभी सा, खामा खड़ी खड़ी खामा पधारो सा। विराज, अरे समदन साह के लिए कुछ लेकर आ। नहीं नहीं, रहने दो। और हुकुम करो, कैसे आना हुआ समदन साह? वो रसाल और विक्रम के ब्याह के बारे में कुछ बात करनी थी। रुक्मणी के बिना रसाल की शादी मानो अधूरी सी लगेगी, और अब तक रुक्मणी भी पग फेरे के लिए आई को नहीं। इसलिए महाराज एक सुझाव है, अभी जो मुहूर्त निकला है वो रसाल और विक्रम के लिए बहुत शुभ है। इसलिए उस मुहूर्त में हम घर में ही उन दोनों का ब्याह करा देते हैं, और विक्रम जब अगली छुट्टियों में घर वापिस आवेगा तो बड़ी धूमधाम से गांव बिरादरी को शामिल करके दावत दे देंगे। पर ऐसे तो ऐसे ही ठीक है। पर जीजी, हमारे को तो अभी ब्याह करना ही ना है। गेली हो गई है कि तू, इतने समझदार लोग जो हमारी मजबूरी के बारे में सोचकर गांव वालों की परवाह किए बिना इस तरह ब्याह करवा रहे, उनकी कुछ तो कदर कर। और फिर विक्रम, कब से थारी आस लगाए बैठा है बेचारा। हमारा ब्याह करवाने की जल्दी में माँ आपको उस विदुर के साथ ब्याह करने पर मजबूर करेंगी। हमारी खुशियों के वास्ते आपकी बलि ना चढ़ा सकती जीजी। ऐसा कुछ भी ना होवेगा, तू बस ब्याह के लिए हाँ कहते, मारे को खुश देखना चाहे है ना।
मन के सारे घाव भर जावे। इस तरह उसके बारे में सोचकर क्यों अपने आप को जोड़ रहा है उसकी यादों से? जितना सोचेगा तू उतना और याद आवेगी वो, और उतनी ही नफरत होती रहेगी मुझे उससे। सिर्फ उससे, अपने आप से। और अगर अपने आप से नफरत करने लगोगे तो एक दिन अपनी जिंदगी से भी नफरत होने लगेगी, और मैं नहीं चाहती कि बैठे जा रहा है, अपना घर छोड़ के जा रहा है तू। अरे बोल ना, अपना घर छोड़ के जावेगा तो सब कुछ ठीक हो जावेगा। पता नहीं मुझे, कुछ नहीं पता मुझे। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि मुझे मन की शांति मिले। और वो तारे को अपने घर में नहीं मिलेगी? नहीं मास, लेकिन ये बात शायद आप नहीं समझे। जब तारी तोतली जबान से तारा पहला शब्द भी नहीं फूटा था ना, तब भी तेरी यही माँ तू के कहना चाहता है समझती थी, पर आज मारा बेटा इतना बड़ा हो गया है कि अपनी माँ को ना समझ गए। I'm sorry माँ, मुझे माफ कर दीजिए, पर आप ही बताइए ना मैं क्या करूं? आप लोगों को क्या लगता है, किसी भी लड़की को मेरे गले बांध देंगे, मेरी उससे शादी करा देंगे तो क्या मैं रुक्मी को भूल जाऊंगा? नहीं, मैंने रुक्मी के साथ शादी करने का सपना देखा था मासा, अपना सारा जीवन उसके नाम कर दिया था। तो फिर आप ही बताइए मासा, ऐसे मैं किसी और की जिंदगी कैसे बर्बाद कर सकता हूं? मुझे जाने दीजिए मासा, अपनी मन की शांति के लिए, अपने आप को ढूंढने के लिए मुझे जाने दीजिए। हमारी तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। उस किसान के घर किसी को भेजकर उसका जवाब मालूम करें। मैं तो कहूँ कुछ मत कीजिए, किसी को मत भेजिए उसके पास, वरना उसे हमारी दया से ज्यादा हमारी मजबूरी नजर आएगी, और फिर हो सके कि मदन सिंह की तरह उसके मन में भी लालच आ जाए। कमल रो क्यों रही हो? अरे बताओ ना क्या बात है? रणवीर घर छोड़कर जा रही हो? माँ हो ना रणवीर, समझाओ उसे। वो कुछ समझना नहीं चाहता। समझना नहीं चाहता? अगर वो समझना नहीं चाहता तो कौन समझेगा? इस हवेली की मान मर्यादा उसी के वजह से दाव पर लगी है, और फिर भी हम उसकी खुशी के बारे में सोचकर उसका दूसरा ब्याह करवाने जा रहे हैं, और वो है कि आपने इसी फैसले की वजह से मारा रणवीर घर छोड़कर जा रहे हैं। कमल भाई साहब के आगे जबान चला रही है? जब आपकी जबान आपने भाई साहब के सामने जम जाती है तो मारे को तो जबान खोलनी पड़ेगी ना, बेटे की जीवन का सवाल है।
आज तक भाई साहब आप खुद ही रणबीर को इस घर का सबसे जिम्मेदार बेटा मानते आए हो। तो एक गलती के लिए मारा बेटा के नलायक हो क्या? कमल, तुम एक माँ की नजर से देख रही, इसीलिए भावनाओं में बहकर बोल रही, पर ऐसे नाजुक वक्त पर कठिन फैसले लेने पड़ते हैं, और ऐसे कठिन फैसले लेने में भावनाओं के लिए कोई जगह ना हो गए, इसलिए तो मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूं। क्योंकि मैं जानता हूं कि यहां पर भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं। इस घर में हर फैसला अपनी छोटी शान बचाने के लिए लिया जाता है। ताया सर, मेरा बचपन पापा से ज्यादा आपके कंधों पर गुजरा है। आपको याद है बचपन में जब मेरी कोई चीज खो जाती थी तो आप और मैं मिलकर उसे ढूंढा करते थे। आज मेरा जीवन खो गया है ताया सा, और आपके आशीर्वाद के बिना उसे ढूंढने में हवेली की चौखट के बाहर कदम नहीं रखना चाहता। दादी सा की तबीयत बहुत खराब हो चुकी है, जल्दी चलिए। डॉक्टर को बुलवा। उठिए दादी सर। रणवीर रुको, देखो जी।